Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नागरिक संशोधन बिल व साथ में सीएबी को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का फूलबाग पर दिया गया धरना प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन की तरफ से भारी मात्रा में पुलिस पोस्ट मौजूद था। पुलिस प्रशासन की तरफ से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने सीएबी को मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए कमलनाथ सरकार के खिलाफ धरना दिया। वहीं ग्वालियर में धारा 144 लागू होती जिसके कारण युवा मोर्चा को जेल भेजना पड़ा। देखिए पूरी खबर तेलका इंडिया न्यूज पर वेंकटेश भार्गव के साथ। सीएबी मध्य प्रदेश में लागू की जाए इसको लेके हम सब लोग एकत्रित हुए थे। केंद्र शासन ने एक देश की एकता और अखंडता के लिए सीएबी बिल पेश किया जिसे कानून बनने के बाद यह पूरे देश में वो लागू हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश में अपनी हठधर्मिता को दिखाते हुए कमलनाथ सरकार ने इस देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले इस कानून को यहाँ लागू करने से मना किया है। हम सब राष्ट्रवादी युवा यहाँ फूलबाग पे एकत्रित होकर उस कानून के समक्ष में अपना समर्थन यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लगाकर हम लोगों को यहाँ से कहीं गिरफ्तार करके ले आ रही है। मैं आज समस्त युवा साथियों की तरफ से ये बता देना चाहता हूँ कि देश का एक एक राष्ट्रवाद युवा इस दमनकारी नीति के खिलाफ है और इस जो कानून यहाँ लागू किया गया इसके पक्ष में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। और हम ये जो कानून यहाँ लागू किया जाएगा ये मध्य प्रदेश में इनको लागू करना ही पड़ेगा। कोई ताकत इसे मध्य प्रदेश में लागू करने से नहीं रोक सकती।